माई किचन, होप यू आर फाइन। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी ने तो चावल के और दाल के ढोसे खा खा के उब चुके होंगे, आप बहुत लोग खाए होंगे चावल और दाल के, पर आज मैं आपको एक डोसे की रेसिपी यूनिक तरह से दिखाऊंगी बना के। आज मैं डोसे की रेसिपी बनाऊंगी बेसन से, बहुत ही कम लोग इसे ट्राई किए हैं और खाने में ये बिल्कुल बाजार जैसे ही लगते हैं, बिल्कुल वही स्वाद लगता है और बहुत ही टेस्टी और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और बिल्कुल यूनिक है। आप दावल चावल दाल में तो पीसना भी पड़ता है, मेहनत भी होता है, और बेसन में बिल्कुल पीसना नहीं पड़ता है और ये जल्दी बहुत जल्दी बन जाता है दाल चावल से। तो चलिए हम देर न करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब और लाइक करके हमें मोटिवेट करिए ताकि हम नई वीडियोस रेगुलर लेकर आएँ। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की यूनिक रेसिपी, बेसन के ढोसे की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, बेसन का ढोसा बनाने के लिए यहाँ मैंने बेसन लिया है, ये बिल्कुल 300 ग्राम है। यहाँ मैंने सूजी लिया है, ये बिल्कुल नॉर्मल रवा सूजी है, इसे आपको 200 ग्राम लेना है। और ये है हमारा चावल का आटा, आप जो रेगुलर चावल खाते हैं उसे आप पीस के चावल का आटा बना सकते हैं, ये आपको 100 ग्राम लेना है। और ये रहा हमारा बेकिंग पाउडर, इसे आपको एक पिंच लेना है। और ये रहा नमक, नमक आपको आधी टेबल स्पून लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारे आज बेसन की डोसे की रेसिपी बनाने के लिए इतना ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और इन इंग्रेडिएंट्स में से आप चाहें तो ये चावल का आटा जो स्किप कर सकते हैं, पर आप स्किप भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पर ये जो चावल का आटा है, ये चावल के आटे से जो हमारे बेसन का डोसा बनेगा उनमें क्रंचीनेस आएगा और बहुत क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल आप मार्केट जो बाज़ार में खाते हैं ना उसी स्टाइल में, तो आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, बैटर बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया एक बाउल, और बाउल में बेसन आपको डाल देना है। तो बेसन डालने के बाद अब यहाँ चावल का आटा डालेंगे, और अब यहाँ हम सूजी डालेंगे और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। अब हम यहाँ डालेंगे नमक और बेकिंग पाउडर, और अब हम इनका बैटर बनाएंगे। हल्का हल्का पानी डालते हुए आपको इसे मिक्स करते जाना है, बैटर की तरह आपको बना लेना है। एक साथ बिल्कुल पानी मत डालिएगा, हल्का हल्का पानी डालते हुए आपको बैटर बना लेना है। तो चलिए हम बैटर बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पानी डालते हुए एक थिक कंसिस्टेंसी तैयार कर ली है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है आपको बेसन का जो ढोसा है उसको बनाने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ज़्यादा पतला है। तो फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते हैं, ये बिल्कुल देखिए धार की तरह गिर रहा है, तो इसका मतलब ये है इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैटर तैयार हो चुका है, बिल्कुल इसी तरह से आपको चाहिए। अब डोसा बनाने के लिए परफेक्ट है, पर डोसा बनाने से पहले हमको इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना होगा। तो चलते हैं, हम इसे रेस्ट पे रख देते हैं ढककर। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए, तो यहाँ मैंने देखिए अपने बैटर को चेक किया है, तो बिल्कुल ये परफेक्ट बन चुके हैं अब डोसा बनाने के लिए। तो अब हम चलते हैं इसे डोसा बनाने, और देखिए कितना परफेक्ट और इसकी मस्त कंसिस्टेंसी है। चलिए हम आगे डोसा बनाते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, डोसा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन चढ़ा दिया है गैस पे, और इसे हम प्री हीट कर लेते हैं करीबन 1 मिनट के लिए, और गैस का फ्लेम आपको एकदम हाई रखना है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो है जो पैन है हमारा वो बिल्कुल हीट हो चुका है, अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। गैस का फ्लेम आपने लो कर दिया है, अब उसके बाद हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे, पानी का छिड़काव करेंगे और इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे। कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, उससे आपको ग्रीस कर लेना है और ग्रीस करके पोंछ देना है। इससे क्या होता है कि आपके जो डोसे होंगे वो पैन में चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी तैयार होंगे। तो अब हम एक कलछुल लेते हैं अपना बैटर, और इसे हल्का सा डाल के चारों तरफ से फैला देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, आप कितना बड़ा इसे ले जाते हैं। तो आप बिल्कुल बाजार की तरफ बढ़ाना है तो बिल्कुल आप पैन के बराबर इसका
सर्कल तैयार कर दीजिए और उस पर से आपको हल्का हल्का ऑयल को स्प्रिंकल कर देना है डोसे के ऊपर। और गैस का फ्लेम आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल हाई पे रखना है। और हल्का हल्का ऑयल आपने लगा दिया है तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने डोसा रखा था तो देख सकते हैं बिल्कुल किनारे साइड से और यहाँ बीच से हमारा पक चुका है। और अब हम इसके ऊपर जो आलू आप मिक्सचर जैसे नॉर्मल समोसे के लिए आलू तैयार करते हैं तो उसी तरह से आलू आपको आलू की स्टफिंग तैयार कर लेना है और इस पर आपको डाल देना है, स्प्रेड कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने मोड़ दिया है, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। वाओ, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी तैयार हुआ है। अब चलते हैं आपको सेकेंड प्रोसेस दिखाते हैं बिल्कुल इसी तरह। तो बिल्कुल सेकेंड प्रोसेस में आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है फर्स्ट प्रोसेस की तरह। तो सेकेंड प्रोसेस में आपको पानी से छिड़काव कर देना है, उसके बाद पोंछ के आपको ऑयल से स्प्रिंकल कर देना है। अब हम सेकेंड बैच डाल देते हैं और इसे कलछुल से स्प्रेड कर देते हैं। और गैस का फ्लेम हाई करते हैं और ऊपर से ऑयल स्प्रिंकल कर देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट में यहाँ ब्राउन ब्राउन आ गया है। इसका मतलब हमारा जो डोसा है वो पक चुका है। अब हम इसके ऊपर पोटैटो स्टफिंग जो हमारी थी उसे हम स्प्रेड कर देते हैं। अब हम इसे एक साइड से फोल्ड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल टेस्टी और क्रिस्पी स्ट्रक्चर आया है, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल। चलते हैं इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सर्व कर लिया अपने गर्मा गर्म डोसे और सांभर। और सांभर बहुत ही आसानी से होममेड आप बना सकते हैं, बिल्कुल ना इसमें कोई झंझट है, न ट्रिक्स है, न ट्रिप्स है, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं सिर्फ कुछ नारियल के टुकड़ों से। और बहुत ही इजी स्टेप्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है सांभर। आप चाहें तो लिंक मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। नारियल की चटनी की बहुत ही ईजी स्टेप्स है बनाने के। और यहाँ हमारा बेसन का डोसा तैयार हो चुका है और देख सकते हैं बिल्कुल ही टेस्टी और क्रिस्पी लग रहा है, बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल हमारा बेसन का डोसा तैयार है और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, बच्चों से बड़ों सभी को पसंद आएगा। तो बिल्कुल आप ये इजी बेसन का डोसा बनाइए। आपको चावल दाल में पीसने की झंझट होती है, इसमें पीसने की भी झंझट नहीं है, इंस्टेंट है, बहुत जल्दी बनेगा। और बस अब मैं चलती हूँ अपना डिनर करने। आप इसे डिनर में भी बना सकते हैं या ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही हेल्दी है, बिल्कुल घर पे बनाइए, आप इंजॉय करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अपने नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, इसलिए धन्यवाद।